जी हाँ फ्रेंड्स, मौका आ चुका है अभी शिबा इनू में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। सबसे पहली बात तो यह है कि शिबा का आज बर्थडे है, यानी कि शिबा को अभी टोटल 3 साल हो चुका है, इसका 3rd बर्थडे मनाया जा रहा है। तो इसकी इतनी बड़ी जो शिबा आर्मी है सारी की सारी सेलिब्रेट कर रही है। यही कारण है कि शिबा फिर से ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आपको यहाँ पे थोड़ी और इंडिकेशन ये भी मिल रही होगी कि अगर इसका बर्थडे है तो फॉर श्योर ये कुछ ना कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि अगस्त का 1st वीक भी आ चुका है, तो फॉर श्योर शिबेरियम भी लॉन्च होने जा रहा है। और प्रॉफिट किस में आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, वो है बोन कॉइन। तो क्रिस्प तो आपको वीडियो का मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको शिबा इनू में और बोन कॉइन में प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो यही आज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शिबा अभी 3 ईयर्स का हो चुका है, 3rd बर्थडे है इसका। तो #शिबा इनू बर्थडे मनाया जा रहा है #शिबा आर्मी के द्वारा। तो हर जगह पे ये #टैग आपको दिखेगा, आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं #शिबा इनू बर्थडे, ये नीचे आप कमेंट करोगे तो आपकी पार्टिसिपेशन भी इस चीज़ में हो जाएगी। मेजर अपडेट्स डिस्कस करने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि अभी वायरेक्स एक ऐप है जिसके ऊपर आप शिप के द्वारा भी पेमेंट्स कर पाओगे, जो कि 81 मिलियन रिटेलर्स के द्वारा यूज़ करी जाने वाली ऐप है। और इसके ऊपर अब शिबा इनू की ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हो पाएंगी, यानी कि सीधा शिबा से ही पेमेंट्स हो जाएंगी। तो जनरली जब भी हमने पेमेंट्स करनी हो, हमारे पास ज़्यादातर अगर क्रिप्टो ही रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो को शिबा इनू में कन्वर्ट करके पे करें तो सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। और यहाँ पे आप देखो कि हॉबी ग्लोबल ने भी शिबा इनू को जो है बर्थडे विश किया है, इन्होंने अपने हॉबी के कम्युनिटी जो इसका ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर इन्होंने विश किया है। तो विशेस इनको सभी जगह से आ रही हैं, लेकिन मेजर चीज़ हमें जो चाहिए वो है प्रॉफिट जो हमें शिबेरियम से मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दो कि शिबेरियम की अभी लॉन्च की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है कि बहुत ही जल्द होने वाला है, जिस वजह से $28 मिलियन के जो शिबा इनू टोकन्स हैं वो एक्सचेंज से हटाए गए हैं। इनको हटाने का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि अभी ये मार्केट में नहीं आएंगे, ये सेल नहीं होने वाले, इनको होल्ड किया जाएगा। तो जब भी कोई भी कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन है या फिर कोई भी कॉइन, अगर एक्सचेंज पर लाया जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसको सेल किया जाएगा। अगर एक्सचेंज से निकाला जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी होल्डिंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं और कॉइन में इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं। और इन्वेस्ट करने वाले का यहाँ पर मकसद एक ही रहता है कि प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि उनको एक चीज़ का हिंट मिल जाता है कि बहुत ही जल्द प्रॉफिट होने जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन से जिनकी वैल्यू $28 मिलियन के आसपास है, जो कि जुलाई महीने के अंदर यानी कि पिछले महीने के अंदर एक्सचेंज से निकाले गए, इनका पूरा आउटफ्लो हुआ है। करंटली आप देखे हुए कि शिबा इनू का प्राइस चल रहा है 0.0000824, यानी के 5 जीरो सभी बाकी हैं, बहुत ही जल्द 1 जीरो तो खत्म होने वाला है, ये तो पूरी पूरी श्योरिटी है। इसी के साथ अगर मार्केट कैप की बात करें तो $4 बिलियन से भी ऊपर चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $5 बिलियन के आसपास है। यही कारण है कि इसकी 14th रैंक है और ये बहुत बड़े ऑल्टकॉइंस की लिस्ट में आता है, सबसे ऊपर वाले कॉइंस में आता है। पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर 97 मिलियन से भी ज़्यादा शिप टोकन्स को डेड वॉलेट में डाला गया, यानी कि शिबा का बर्न किया गया है। तो इस तरीके से लगातार बर्न्स चलते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो जो शिबा इनका बर्न रेट है वो 296% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको प्रॉफिट सिर्फ शिबा इनू में नहीं मिलने वाला, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है बोन कॉइन में, क्योंकि यह कॉइन भी पिछले एक हफ्ते के अंदर 20% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सतोशी कोसामा है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जितनी भी बोन की पेंडिंग सप्लाई है, जो रिमेनिंग सप्लाई है, उसको माइन करने जा रहे हैं। और ये चीज़ वो इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अभी शिबेरियम आने जा रहा है, तो शिबेरियम के आने पर बोन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर प्राइसेस भी बहुत फास्टली ऑलरेडी बोन के बढ़ रहे हैं। हालांकि मार्केट में कई सारी करेक्शंस आ रही हैं, डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन शिबा इनू इस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा हाइप में है। एंड ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, वो है कि अगस्त के 1st वीक के अंदर अंदर शिबेरियम लॉन्च होने जा रहे हैं। एंड अगर हम शिबा इनू की पास्ट इवेंट्स की बात करें, पास्ट जितने भी इनके इवेंट्स आए हैं, तो इन्होंने प्रॉमिसिंग टाइम के बीच में ही इवेंट्स किए हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लटका दिया या फिर मार्केट डाउन चल रही थी इन्होंने इवेंट नहीं किया, या फिर वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट अच्छी होगी तभी इवेंट करेंगे, ऐसा कभी भी शिबा इनू के प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। इनके इकोसिस्टम में कभी भी किसी भी कॉइन या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नहीं हुआ है। सिमिलरली शिबेरियम भी, जो कि एक Layer 2 ब्लॉकचेन है, वो जल्द ही फाइनल लॉन्च होने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो बोन की बाकी सप्लाई है उसको भी माइन किया जाएगा। तो जैसे कि पहले हमने बिटकॉइन देखा, फिर उसके बाद इथेरियम देखा, तो यहाँ शिबा इनू के जो फाउंडर हैं उनका कहना ये है
कि अगर आपको रियल डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो वो आपको शिबा के अंदर मिलेगी। क्योंकि शिबा इनू अभी एक सिर्फ मीम कॉइन ही नहीं रह जाएगा, बल्कि एक बहुत बड़ा डिफाई प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, तो इस ब्लॉकचेन को यूज़ भी किया जाएगा। यही कारण है कि ये टॉप 20 में हमेशा रहता है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी की पावर बहुत ज़्यादा है और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से आपको शिबा इनू में प्रॉफिट तो मिलेगा ही। एंड मेक श्योर, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बोन कॉइन को भी होल्ड करें, बोन कॉइन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपको ये $1.5 के आसपास मिल जाएगा। अगर इतने में मिल रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यही था आज का हमारा वीडियो शिबा इनू के बारे में। अगर आपको किसी और मीम कॉइन के बारे में या किसी भी और कॉइन के बारे में वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।